welcome back to all of you guys so welcome in another video of ms biology here here is a good news for the all the biotechnology students because Haryana pse has released notification for the assistant professor of various subjects including biotechnology okay so in this video lecture i am going to discuss about all the details regarding this notification like as how to apply exam patterns syllabus eligibility criteria paper structures number of a post selection procedures

लिए ये हमेशा ही एक बहुत बड़ा बैड न्यूज रहता है कि उनके लिए कोई अलग से सब उनके सब्जेक्ट का कोई अलग से पोस्ट नहीं आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी जोलॉजी बॉटनी में उनको कंसीडर नहीं किया जाता है और कंसीडर अगर किया भी जाता है किसी तरीके से रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो इंटरव्यू में उनको सब्जेक्ट का हवाला देकर के कि क्या किया जाता है बाहर कर दिया जाता है तो ये उनके लिए बड़ा ही पेन होता है कि वो इतनी अः मतलब अलाइड सब्जेक्ट का भी सिलेबस को कवर करते हैं पढ़ करके रिटेनिंग एग्जाम निकालते भी हैं दैट उसके बावजूद भी उनको बेसिकली इंटरव्यू पैनलिस्ट जो होते हैं वहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं तो दैट इज व्हाई ये उनके लिए uh, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो लोग बायटनलिस्ट एमएससी किए हुए हैं और जिनके पास आइदर पीएचडी है या फिर वो नेट एलएस है या नेट जेआरएफ है अगर ऐसा उनके पास है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के, के लिए पोस्ट आई हुई है राइट सो so स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा पीएससी के थ्रू जो भी सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे डिटेल्स आपको दे रखा है राइट तो बेसिकली हमारा फोकस जो हो होगा पे होगा तो के टोटल जो पोस्ट है वो क्या है इलेवन पोस्ट है जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के सीट्स है वो कितनी है सिर्फ जस्ट ओनली फाइव है राइट तो बाकी जो अलग स्टेट्स के कैंडिडेट्स होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे तो उनका सिर्फ फाइट जो होगा वो किसके लिए होगा पांच सीट के लिए होगा बाकी जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्व सीटें हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं ओके तो हरियाणा स्टेट के जो लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं बाहर के जैसे लाइक एस यूपी है उत्तराखंड है जहाँ कहीं के भी हैं वो बाहर जब भी किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं तो उनके लिए बेसिकली फाइव सीट्स रहेगी जिनपे आप सब लोग कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं राइट तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इलेवन है बाकी जुलॉजी बॉटनी के भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी है जूलॉजी की वन सीट्स हैं और बॉटनी की 145 सीट्स हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है इनके लिए तो हमेशा ही ह्यूज नंबर ऑफ़ सीट्स आते रहते हैं हर किसी चीज में माइक्रोबायोलॉजी के लिए दो सीट्स हैं यहाँ पे जो लोग माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी सेमस के उनके उनके पास नेट और जे है या फिर पी एच किए हुए हैं तो वो लोग भी अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे फील्ड के नहीं हैं तो हम लोग तो टाइम नहीं देते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली बायोटनोलॉजी के लिए इलेवन टोटल पोस्ट है इसमें से फाइव जो सीट्स है वो ओपन सीट्स हैं दैट इज टीजी कैटेगरी में है राइट और नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब साल तक बाकी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वहाँ वहाँ लिए, लिए uh, है, और बाकी एस सी एस टी वाले उनके लिए फाइव नॉर्मल रिलेक्सेशन का रूल होता है जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं उनको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे ओके okay? तो यहाँ पे देख रखा है एज फार एज रूल और uh, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए बेसिकली उनके जिस सब्जेक्ट के सपोज सब जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं आप तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका क्या होना चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट आपकी मास्टर डिग्री में होनी चाहिए मतलब आपकी पीजी से होनी चाहिए उसमें स्कोर आपका फिफ्टी फाइव परसेंट होना चाहिए प्लस नेट क्वालिफाई होने चाहिए नेट आपका चाहे एल एस हो चाहे जे आर एफ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है राइट अगर जो लोग नेट आ, सिर्फ एल एस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जे आर एफ ओ लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपकी पी एच डी हुई हो दो हजार नौ के अकॉर्डिंग उनके लिए कोई भी नेट की जरूरत नहीं है तो जिनके पास नेट पीएचडी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिर्फ पीएचडी है या सिर्फ नेट है वो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं तो एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफिकेशंस में आपका यही रहेगा पीजी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए इसे अगर बॉटनी वाले हैं तो बॉटनी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं तो माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटोलॉजी होना चाहिए और उनका स्कोर कितना होना चाहिए फिफ्टी फाइव परसेंट उनके पीजी लेवल पे राइट और बाकी आपका जो एडिशनल है वो क्या है नेट और पीएचडी है तो आपका नेट होना चाहिए चाहे वो सीएसआईआर का हो चाहे वो यूजीसी का हो और या तो फिर आपकी जो है वो पी होनी चाहिए राइट और सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो होगा वो क्या होगा पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे जो रिटर्न एग्जाम्स होंगे वो टोटल आपके 100 मार्क्स के होंगे अभी आगे वाले स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका उसका वेटेज जो है यहां पे दे रखा है एटी और इंटरव्यू जो होगा वो ट्वेल्व रहेगा राइट तो इस तरीके से आपका ये दो स्टेप में होंगे एक आपका रिटर्न एग्जाम होगा और बाकी आपके क्या होंगे एक इंटरव्यू होंगे तो रिटर्न एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो क्वालिफाई होंगे उनका बन उनका बन फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा राइट तो बेसिकली जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो टोटल क्या होगी वन बाई फोर्थ होगी टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो दो घंटे का होगा और सारे के सारे जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे पेपर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे ईच क्वेश्चंस कैरी वन मार्क्स आपके मार्क्स भी कितने हो जाएंगे हंड्रेड हो जाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा मतलब जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो उस हंड्रेड में से नाइन्टी जो क्वेश्चन होंगे किससे आएंगे सिर्फ सब्जेक्ट से आएंगे 10 जो होंगे वो हरियाणा जी के आएंगे जिसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स सब कुछ रहेगा इंक्लूड तो वो टेन मार्क्स का रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे नॉर्मल आपकी उतनी जी के अवेयरनेस होगी वो होगी तो आपका फोकस बेसिकली सिर्फ किस पे रहेगा नाइनटी मार्क्स वाले क्वेश्चन पे दैट मीन सब्जेक्ट वाले पे ओके okay? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 100 होंगे 100 मार्क्स का होगा जिसमें से 90 क्या होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे 10 जो होगा आपका जीके का होगा ये बहुत अच्छी बात है जबकि अगर अगर बाकी स्टेट की बात अगर की बात बात यूपी करें तो यूपी में सेवेंटी थर्टी का रेशियो रहता है तो वहाँ पे थर्टी क्वेश्चन काफी मायने रखता है राइट और यहाँ पे इंटरव्यू में भी आपको वेटेज बहुत कम दिया, दिया गया सिर्फ ट्वेल्व का जबकि रिटर्न एग्जाम में क्या है ज्यादा वेटेज दिया गया है ओके इसके बाद अगर आप, आप देखें यहाँ पे तो सिलेबस क्या है तो सिलेबस को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया है आपके लिए बाकी इनका डिटेल्स जो फॉर्म है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप किसी भी कोई गूगल का भी कर सकते हैं अगर आप आपको जरूरत होगी तो हम आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे राइट तो जो लोग सीएसआईआर की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और जिन्होंने सी एस आई आर किया हुआ है या वो कराते हैं या फिर वो कहीं पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज यहाँ पे देखिए सी एस आई आर के ही सिलेबस को लेकर के उन्होंने सी एस आई आर में आप टोटल थर्टी यूनिट्स पढ़ते हैं राइट या पढ़ करके आए हैं एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसमें से आपको सिर्फ सात मिनट यहाँ पे दे रखा है

सारा का सारा साराबस कवर हो जाएगा तो ये जो पोस्ट है वो, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है और जो लोग नेट के प्रश्न किए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका सिर्फ और सिर्फ दस जो क्वेश्चन होगा वो जीके से आएगा बाकी नाइन्टी जो क्वेश्चन आपके वो सब्जेक्ट से आएंगे तो आप अच्छे से जुट जाइए अभी इसके फॉर्म का जो अप्लाई करने का पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है मोस्ट जल्दी ही ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन आ चुकी है तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर सकते हैं ओके okay? सो so, आपने देखा कि बेसिकली एचपीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या सब्जेक्ट है और कितनी पोस्ट हैं, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा और सिलेबस क्या है तो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा और आपकी अपनी तैयारी करने के लिए अच्छे से आपको टाइम uh, भी है और आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टू डेस वीडियोज गाइज इफ यू हैव एनी डाउट एंड एन क्वेरीज फर्दर रिगार्डिंग दिस वीडियोज सो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स आई विल हेल्प एंड आई विल ट्राई टू रिजल्व योर प्रॉब्लम ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो